तो हिडन गुडविल निकालनी हो तो हमें चार स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है नए पार्टनर की कैपिटल से, ठीक है, पूरे फर्म की टोटल कैपिटल निकाल लो। तो आपका नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेकर आया है, 2 लाख, उसका शेयर कितना है, 1/4। तो अगर नया पार्टनर 2 लाख रुपये कैपिटल लेकर आया है और उसका शेयर 1/4 है तो फर्म की टोटल कैपिटल हो जाएगी 8 लाख, ठीक है ना। तो पहला स्टेप तो ये हो गया, टू कैलकुलेट द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म विद द हेल्प ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल थी हमारी 2 लाख, तो into 4/8 हो गया 8 लाख। फर्स्ट स्टेप क्लियर। सेकंड स्टेप होता है फर्म की एक्चुअल और एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है वो जानना। तो उसके लिए पुराने पार्टनर की कैपिटल तो जोड़ते हैं, साथ के साथ नए वाले पार्टनर की कैपिटल भी जोड़ेंगे। तो पुराने पार्टनर की कैपिटल कितनी दे रखी है बताना, दो तीन 2 लाख और 3 लाख। तो 2 और 3 5 प्लस नए वाले पार्टनर की कैपिटल 2 लाख और जोड़ दो, तो ये हो गया 7 लाख। तो 7 लाख तो हो गई आपकी एग्जिस्टिंग कैपिटल या एक्चुअल कैपिटल। अब स्टेप वन से टोटल कर निकल कर आई 8 लाख, स्टेप टू से एक्चुअल निकल कर आई 7 लाख। इसका मतलब पूरे फॉर्म की टोटल 1 लाख। टोटल और एक्चुअल के डिफरेंस को ही फॉर्म की टोटल कहते हैं। तो 1 लाख तो पूरे फॉर्म की गुडविल है। नए पार्टनर की गुडविल निकालनी हो तो पूरे 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो उसके शेयर को। तो 1 लाख का 1/4 होता है 25,000। इसका मतलब नए पार्टनर की गुडविल 25,000 है। क्या वो गुडविल कैश में लाया है, कुछ में लिखा है, नहीं लिखा, नहीं लाया। नहीं लाया ना, तो कैपिटल तो लाया है। तो इन्होंने कैपिटल लाने की एंट्री नहीं बनाई, लेकिन कैपिटल लाने की एंट्री अगर बनानी होगी तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाती है। अब क्योंकि नया पार्टनर गुडविल कैश में ले ही लेकर आया और सेक्रीफाइस केवल एक ही पार्टनर कर रहा है पुराने में से, तो सिंपली अब बस एंट्री बना देना उसके बाद। तो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि इन केस न्यू पार्टनर का गुडविल कैश लेके नहीं आता तो उसके कैपिटल अकाउंट की जगह करंट अकाउंट का डेबिट कर रही है। टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सेक्रीफाइजिंग पार्टनर तो कैपिटल अकाउंट ही रखना, नए वाले पार्टनर का करंट अकाउंट कर देना विद हिज शेयर ऑफ गुडविल जो कि 25,000 है। हो गया पूरा, ठीक है।